सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड में क्या करते हैं? अगेन कीबोर्ड पे जाएंगे, 60 माइनस 80 फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 GHz है, कार्टेशियन, ओके करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट आ गया। सेकंड अगेन कीबोर्ड पे जाएंगे, कितना है? 50 Hz है ना, तो 50 Hz पे 50 0 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
फिर वहाँ से ऊपर लाइन एक दो पैरामीटर कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द स्टब एंड लेंथ ऑफ द स्टब। अच्छा, फर्स्ट ऐड करते हो क्या कहते हैं, लाइन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन देखिए कहाँ पर है, ट्रांसमिशन लाइन है क्या कहीं पे, लाइन लाइन। इसको जैसे क्लिक करेंगे ओके, ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस कितना है, 50 ओम है, तो 50 ओम एज इट इज रहेगा। इसको ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे ना ये वी एस डब्ल्यू आर सर्कल आया, देखो ना आपने देखा है ये वी एस डब्ल्यू कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल आ रहा है ना, जिसपे ये माउस मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो ये हम लोग कहाँ तक जाएंगे, ये यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल क्या ब्लू का ये, तो यूनिट सर्कल मूव करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से एंटर। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टब यूज करते हैं ना, शॉर्ट सर्किट स्टब, शॉर्ट। तो देखो एस एस, ये ओपन स्टब है, ये शॉर्ट सर्किट स्टब, इसको क्लिक करेंगे, 50 ओम, 50 ओम। अच्छा, अभी हम लोग वो सर्कल, हाँ यहाँ से आ गए, आ गया लेंथ, पोजिशन ऑफ द स्टब, लेंथ ऑफ द स्टब। अच्छा बस ठीक है, पहले दो चल गया।